खुल्ला खुल्ला हर्षी भाई क्या क्या काम कर रहे हो ये क्या चल रहा है आपको बियर पी रहे थे क्योंकि मैंने अब आपको बताया कि परसों सट्टा जीत गए थे 2000 रुपए का के दोस्तों वगैरह यहीं पे बैठे हैं इन्हीं के साथ गुक्की भाई अपने सट्टे की पार्टी करते हैं हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कैसे आप सभी आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और भाई आज मौसम हो रहा है एकदम मस्त मौसम रखा है एकदम बढ़िया मौसम था क्या क्या कहूँ मैं मतलब सुबह सुबह इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी बट अब हो रहा है थोड़ा बहुत धूप मौसम एकदम नीला नीला हो रखा है यार और पतंगे उड़ने शुरू हो चुकी हैं भाई क्योंकि भाई 15 अगस्त आने वाला है बस 10-15 दिन बचे बस हाँ 10-15 दिन बचे भाई 15 अगस्त पे आने वाला है बंदे पतंग उड़ाने शुरू हो चुके हैं छतों पर मंजा कट कट के आ रहा है मतलब हंसी आ रही है पर थोड़ी देर पहले भी हर्षिल भाई का वहाँ पर कॉल आता है वो कहते हैं भाई हर्षिल भाई कि भाई मानशु भाई ए राउटर लेके आ जाओ भाई मेरे पे राउटर एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसने राउटर मांगा चलो भाई चलते उसके घर पे उसके बाद आपको उसी घर पे मिलता हूँ उसके राउटर लेके और क्योंकि भाई परेशान हो रखा नेटवर्क इशू है उसके घर में बहुत ज़्यादा तो मैं भी खाना पीना खाता हूँ उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलता हूँ उसके घर पे तो फिलहाल भाई अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे हर्षिल भाई के घर पे हर्षिल भाई ये रहे हमारे सो रहे थे भाई कमरे के अंदर इनको मैंने राउटर पकड़ा दिया देखते हैं इनका काम तो है नहीं है भाई सब बढ़िया हर्षिल भाई तुम पहले क्यों आते हो तुम टाइम अबे तुम्हारे काम है नहीं है पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो कभी कभार ये सारी किताबें सब सजा कर रखी तुम लोगों ने हैं घूमते रहते हो भाई अर्षद भाई का कोई काम नहीं है अर्षद भाई सिर्फ हांडते रहते हैं बाहर गलियों में घूमते रहते हैं स्कूटी चलाते हैं पेट्रोल खर्च करते रहते हैं है भाई और कोई काम नहीं तुम्हारे को और यहाँ जब बारिश होती है तो तनिक किन किन को दिखाते हैं अर्षद भाई भाई बहुत खूफिया राज पर चल चाहिए मुझे अब खूफिया राज आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करूंगा कि भाई कोई शेयर हो और राज बता दो कौन से शेयर हुआ है बता दो तो भाई रुक जाओ नहीं भाई हर्षिल भाई के साथ एक सीन हो रखा है जो मुझे भाई सब यूट्यूब पर सुनो सुनो भाई कुछ हो रखा है आपको बताऊंगा देखो हर्षिल बता दो दिल से बोलो भाई भाई आ जाओ हिमांशु भाई दिल खोल के बता दो जाओ बोलते क्यों बात ही झूठ है जो बताओगे अरे बात झूठ नहीं है यार वो भाई बोल तो भाई तुम जो और भाई तुम अरे हाय हाय चीज सट्टा का नंबर नहीं रहा तुम्हारे में रहा आज इसलिए पड़े हुए तुम भाई 150 रुपए हार गए गाइस क्या करें आईपीएल में लगाया था पैसा अब तो कौन सा आईपीएल चल रहा है अभी इसलिए कहते हैं झूठ तो बोला करते ना सुनो भाई वो दूसरा आईपीएल है वो आईपीएल दूसरे देश का है तो बिग बैश लीग होता है तो बिग बैश लीग होता है जो भी हो भाई पैसा लगाया था हमने अच्छा ये दिल किसके लिए आके ही बता दे ये दिल देख इसलिए साथ में क्या करूँगा देखा कि ये दिल दिखा दो कैसा करता हूँ मैं दिल के साथ भाई मैं दिल के साथ बहुत खिलवाड़े करता हूँ बता दो भाई रुको 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 मैं आपको सिखाता हूँ देखो क्या है आज के टाइम में देखो गाइस मैं तुम्हें सच बता दूँ बता 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 सच बात होता हूँ जो भी बात है ये सब झूठ बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो अगर तुम्हें बतानी है ना भाई भाई लोग को बता दो ऐसी कोई बात नहीं है जो भी बोलेंगे सब झूठ बोलेंगे अपने हर्षिल भाई देखो बियर पीते हैं देखो ये ये क्या दिखा रहे हो और एक और बात ये जो कह रहे थे ना कि भाई मैं हर्षिल भाई के इस दिल के साथ क्या करता हूँ भाई सच बताऊँ कि लोगों के दिल के साथ भी बहुत बुरा करते हैं तुम्हें नहीं पता अगर मैंने तो भाई क्या हो मैं जी यार जी क्या इंसान हो यार तुम कुछ भी बोल रहे हो मतलब अब तो मेरे को तुम्हारा राज बताना पड़ेगा भाई भाई हर्षिल भाई का सिस्टम बताओ देखो आपको तो फिर मेरे को बदनामी कर रहा है ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं मैं तुम्हें बदनाम कर सकता हूँ एक्सपोर्ट वीडियो वो एक्सपोज वीडियो बना अरे चलना अब भैया तुम लोगों मैं सबको सब कुछ बता दो खुल्ला में खुल्ला हर्षिल भाई क्या क्या काम कर रहे हो भाई देख ये देख रहे हो ये क्या चल गया पता नहीं भाई फोन में भाई भाई हर्षिल भाई तुम्हें बताऊँ देखो हर्षिल भाई के साथ ना भाई मत बताओ कुछ मत बताओ मजाक सट के भाई तो फिर मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है मैं करा देगा कुछ बोला देगा अभी तक हवा पास देख रहे हो भाई सर फाड़ देंगे कर देंगे कड़ा निकाल रखा ही है वो है भाई तुम्हें बताऊं इसके चक्कर में भाई कड़ा छिन चुका है स्कूल में पीटीआई ने ले लिया है हाय पीटीआई से हम लेते हैं और ये देखो पीटीआई इनसे लेते हैं कड़ा चलो भाई हर्ष भाई का ट्यूशन का टाइम हो चुका है हम लोग चलते हैं अपना ट्यूशन इसका 4:30 करीब भाई कितने बजे 5 ऐसे कुछ बजे चलो चलते हैं है? कुछ झूठन नहीं है भाई तुम अपने आप को बचा रहे हो पब्लिक के सामने अरे मैं चाड़ा दे दो यार चलो भाई चलते हैं अपन लोग अपने अपने घर निकलते हैं भाई
क्या हुआ बताओ भाई। लोग तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम चाहते हो भाई पे एक एक्सपोज वीडियो बने तो भाई बता देना कमेंट में। मेरे पे एक्सपोज वीडियो मत करवाओ ना, तेरी ऐसी ऐसी करवा दूंगा ध्यान रख लियो मैं। तो गाइस चलते हैं, आप लोगों को मिलते थोड़ी देर बाद। तो भाई लोग हम आ चुके थे घर से बाहर, मैं जा रहा था ट्यूशन, हिमांशु भाई भी यहीं पे है। हम जा रहे थे कुक्की भाई से मिलने। सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई, पहले आपको बता दूँ भाई, मैंने हर्षी भाई को इतना प्रोफेशनल कर दिया मैं ब्लॉगिंग करने में, आप खुद देख ले करो आप भाई। 0.5 रखा ना भाई, आप 0.5 है भाई। बाकी हम जा रहे हैं कुक्की भाई से मिलने। बाकी कुक्की भाई बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं क्योंकि भूल गए हमें नंबर लगाते आजकल अपना। और भाई देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, उनका पर्सो लगा था 10 नंबर का सट्टा और वो जीत गए थे, उन्हें मिले थे 2000 रुपये, बट उन्होंने हमें पार्टी नहीं दी। अब क्या करें भाई, कुक्की भाई भाई भूल गए कोई बात नहीं भाई, भूलने दो एक बार भाई। टाइम पे कुक्की भाई हमारे साथ खेला कर देते। अब भाई कुक्की भाई भी बड़े इंसान बन गए, ज़्यादा ही बड़े सट्टेबाज बन गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर चल रहे हैं, उनका देखकर मिलता नहीं मिलता कुक्की भाई को ऐसे चमकाएंगे ना एक दिन हिमांशु भाई, हिल जाएंगे कुक्की भाई। कुक्की भाई का सारा सट्टे का पैसा हम ले लेंगे है ना। बाकी उक्की भाई के घर जा रहे थे, तुम देख ही सकते हो उक्की भाई जिंदगी बहुत खराब है, रोता था जिंदगी में रोज रोज। और एक सेकंड ये रोड याद होगी भाई, तुम पहचान गए होगे इस रोड पे है ना मानसू भाई। हाँ यार लिखा था कि यहाँ पर लड़की की जरूरत है, लड़की की जरूरत है भाई, तुमने देखा होगा, तुम्हें वो शॉप भी दिखाते बट अब नहीं उसको शायद अब जरूरत नहीं है उसको लड़की की, क्योंकि उसने हटा दिया। लड़की मिल गई उसको, उसको लड़की मिल चुकी है भाई, सही बात है कि नहीं है। चलो चलते हैं। बाकी भाई कुक्की भाई सट्टा लगा के अब सो चुके हैं, कुक्की भाई बहुत थक चुके हैं सट्टा लगा के, क्या करें भाई। मैंने भाई लोग को बता दिया कि कुक्की भाई सो गए हैं, सो रहे हैं भाई। कुक्की भाई बहुत आराम इंसान, क्योंकि उन्होंने रात को बहुत सट्टा लगाया था, इस वजह से वो थक चुके हैं सट्टा लगा के। रात को बियर पी रहे थे, क्योंकि मैंने अब आपको बताया कि परसों वो सट्टा जीत गए थे 2000 रुपये का है ना भाई। 10 नंबर उनके लिए लक्की है वैसे देखा जाए तो है ना। पर बैठे हैं इन्हीं के साथ कुक्की भाई, अपने सट्टे की पार्टी करते हैं कल जब आता है कुक्की भाई के साथ गुस्सा आता है, उसके घर पे जाओ तो सोता रहता है हमेशा, जिंदगी में उसके कुछ नहीं रहता, सोता रहता है। पढ़ाई सब छोड़ दी है, प्रोफेशनल सट्टेबाज हो गए हैं ना वो, कुछ नहीं देखा उसकी जिंदगी में। चलो घर चलते भाई को कुछ ट्यूशन पढ़ने दो, उसके बाद मिलते हैं आप सभी को। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ रखे हैं अपने भाई ट्यूशन व्यूशन को एकदम फुल, एकदम पढ़ाई वढ़ाई करके खत्म करके। और ये पता नहीं क्यों मेरे भाई हर्षित भाई वाला बिहाइंड द सीन ले रहे हैं, और हर्षित भाई के घर में थोड़ी सी लाइट है काम है, तो मैंने को एक आइडिया आया भाई, तुम लोग को अगर तुम चाहते हो कि व्लॉग्स से बिहाइंड द सीन हम दिखाएं तो भाई बताना जरूर। अरे नहीं यार तुम्हारी फिर बहुत ज्यादा जमील हो जाएंगे यार, ये सब मतलब क्या है। मैंने इसको हल्का सा व्लॉग करवा के प्रोफेशनल क्या कर दिया, अपने औकात से बाहर जा रहा है ये इसका। और दूसरी बात है, आपको बता दूं कुक्की भाई घर गए थे, कुक्की भाई सो रहे थे, उसके बाद ना गुग्गी भाई के घर के अंदर हमने गए, आंटी ने या बोला उसकी मम्मी ने नहीं बोला, गुग्गी भाई से हमको ये पता चल चुका है कि गुग्गी भाई ने गुग्गी भाई पे केस लगने वाला है। गुग्गी भाई इतना ज़्यादा सट्टाबाजी कर रहा था कि उसने सट्टे में बहुत उधार पैसे लिए, इतना उधार पैसे लिया कि लोग उसकी घर आ रहा कि हम नंगा नाच कर रहे हैं। है भाई ईशान भाई से तो मिल लो हमारे, ईशान भाई क्या हाल है तुम्हारे, ईशान फैले क्यों उठ गया हो, ये दिल गया पता मैं क्या करता हूँ तुम्हें पता नहीं है। क्या चीज है ये, क्या चल रहा है भाई, ट्रेंडिंग भी चली ना उसके ऊपर ना, फिर लोग रील ना रहे हैं, तो मैं आपको उसका बिहाइंड सीन दिखाऊंगा पहले। 3, 2, 1 अरे वाह क्या भारत आगे बढ़ रहा है अपना। ओए माँ ये क्या है, मेरे को तो पीछे हटना पड़ रहा है, देखो ऐसे ना रहा हूं, ऐसे ना रहा हूं। भाई मजेदार है, एकदम मजेदार, तुम बताओ भाई मजेदार है। अरे वाह कितने नेक बच्चे है ये यार, एक तो इस गाने का स्टेप अच्छा है भाई। लोगो अल्टीमेट फन हो गया, अभी तो बहुत तगड़े वाला, अभी गाना बंद कर दो ना, मैं तो मर जाऊंगा देख देख के हंस हंस के। मैं भाई ने भी एंजॉय कर लिया, बंद कर दो यार, फाइट बन रहा है उस चीज के लिए। तो ये अब आपको दिखाऊं भाई, बिग बॉस देखते हैं हमारे आजकल भाई एल्विश भाई, देखो देखते तो मैं भी हूँ वैसे, पर भाई मेरे को वो पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें भाई अपने एल्विश भाई आता है, क्योंकि तुम्हारा भाई क्या साथ, तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई पहले तो एल्विश
कोकरा को प्रायोरिटी इसको दे रहे हो, सबसे पहले इसको करते हो भाई। गेम के हिसाब से देखो पिछले सीजन अगर हाइड्रो देखा हो तो देखा होगा कि शिव और एमसी खेलते थे फाइनल में ना। शिव था, शिव डिजर्व करता था जीतना और वही था विनर, बट एमसी चेंज हो गया क्योंकि फैन पोलिंग की वजह से। अगर इस बार भाई दो कंफर्म है कि फुकरा और एलविश यादव जाएंगे, अगर एलविश जीतता है तो भाई वो फैन पोलिंग की वजह से जीतेगा, बाकी तो भाई देखो अपने जान भाई को दंग होने पे रखा है, बॉडी दिखा रहा अपनी। ये चल क्या रहा है आजकल, क्या बात है क्या भाई, लोग बर्बाद हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई कर लो, 11वीं क्लास है तुम्हारी तो ये दसवीं फिर भी कोई बात नहीं। ये देखो पोज वन, यस भाई बताओ क्यों कर रहे हैं व्लॉग में, क्योंकि भाई को लग रहा है कि भाई अपनी बॉडी शॉर्टी दिखाएंगे व्लॉग में तो दो चार लड़की सेट हो जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई। ये लोग भाई सीधा मजाक सेट किया, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों आ रहे हैं इस टीटर उतार के। और जो भी आप लोग देख रहे हो तो गाली देने लगे इतनी लड़ने में कुछ और उतार लोग क्या कर रहे हैं ये मुद्दा मेरे बीच और दूसरी बात ये और दूसरी बात तू प्रेम करेगा और दूसरी बात तेरी पीछे बोले तो मैंने। तो भाई देखो अगर आपको लग रहा है कि ये लोग अपनी बॉडी का फ्लैक्स मार रहे हैं तो आप लोग इनके लिए कमेंट में गंदी से गंदी गाली लिख दो। ये क्या चल रहा है, सॉरी गाइस अगर आप मेरे इस इन लोगों की बॉडी से डिसअपॉइंटेड होते हो तो मैं माफी चाहता हूँ इन लोगों की बॉडी दिखाने से। तो माँ पता नहीं भाई अर्षद भाई तो अपने घर के अंदर आने के बाद मतलब काला क्यों दिखता है मेरे ब्लॉग के अंदर। व्हाट्सअप गाइस, तो भाई तुम्हारा भाई कल जाके सो चुका था, उसके बाद भाई अब हम दोबारा क्या करते हैं कहते हैं उठ चुके हैं भाई। संडे वाले दिन तुम्हें पता है कितना आलसी होता है, बहुत ज़्यादा आलसी। हम सुबह सुबह सो रहे हैं भाई, 12:30 बजे भी नींद खुली है। हर्षित भाई और हम अभी घर गए थे, हाँ रुको हम भाई गुग्गी के अभी घर गए थे, गुग्गी के घर पर हम लोगों ने बोला भाई चलो साथ में चलोगे हमारा भाई, उसकी मम्मी भी बोलती बेटा कभी कहाँ गए नहाने के लिए, बहुत बेकार बच्चा है हमारा, ये किसी काम का लड़का नहीं है। कह रही कि तुम आधे दिन अपने पास रख लिया करो इसे ले जाया करो घुमाने के लिए, इसे ना तुम घुमाने नहीं तो तुम अपने पास ले आओ, हमारा किसी काम का नहीं है, काम चोर लड़का है हमारा ये। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई थोड़ा सा भाई को दूध की डेयरी से दूध लेना है, चलते वहाँ पे आराम से उसके बाद। तो भाई लोग हम लोग आ रहे किसान के भाई के घर के यहाँ पे, और क्या बोल रहे हो कुछ नहीं भाई का कुछ भी नहीं होना देख रहे हो ब्लॉग में गंद फैल जाए नहीं भाई मेरे ब्लॉग में गंद मत फैलाओ अपना। हाँ नहीं।